सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डीजल जनरेटिंग पावर प्लांट के बारे में। डीजल जनरेटिंग पावर प्लांट यानी कि दोस्तों इसके अंदर हम देखने जाए तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पावर सप्लाई सिस्टम स्टार्टिंग फेज पावर सिस्टम इज़ वेरी लो कैपेसिटी। यानी कि दोस्तों जब पावर सप्लाई सिस्टम की शुरुआत यानी कि जब पावर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हमें यहाँ पे जनरेट करना था तब की हम बात करने जाते हैं, तो यहाँ पे पावर सिस्टम है वो कम कैपेसिटी में है यहाँ पे जनरेट हो पाता था। तब यहाँ पे हम डीजल पावर प्लांट का यूज़ में लेते थे। अब काफ़ी ऐसे सिटी वगैरह है जहाँ पे हम पावर सप्लाई सिस्टम उसको इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते थे, तो हम क्या करते थे, कोई एक बड़ा सा शहर है उसके अंदर वो पावर सप्लाई सिस्टम हम देते थे, वो चलता था। लेकिन आसपास के गांव में तब बिजली नहीं थी, तो दोस्तों ये सब एरिया था तब वहाँ पे डीजल पावर जनरेटर का यूज़ में ज़्यादातर लिया जाता था। तब वहाँ पे छोटे छोटे कस्बे शहरों में ये उपयोग में लिया जाता था और डीजल पावर प्लांट चलाया जाता था। लेकिन अब आगे बात करें तो वहाँ पे दोस्तों तो जो जनरेटिंग कॉस्ट होती है यानी कि जो डीजल जनरेटर पावर प्लांट होता है उसकी यहाँ पे जनरेटिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए यहाँ पे उसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता। किसको? डीजल जनरेटिंग पावर प्लांट को ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता था। अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे तो उसका यूज़ कब होता था, तो डीजल जनरेटर पावर प्लांट है उसका स्टैंड बाई पे यूज़ होता था। स्टैंड बाई यानी कि ग्रिड का पावर सप्लाई सिस्टम अचानक से चला गया तब उसको चला के थोड़ी देर के लिए पावर सप्लाई ले लो, या फिर नर्सरी पावर प्लांट है, काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर यहाँ पे कैप्टिव पावर प्लांट के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ में लिया जाता था, लेकिन उसको भी कंटिन्यू यूज़ में नहीं लिया जाता था। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे डीजल पावर जनरेटिंग प्लांट है, जो डीजल जनरेटिंग पावर प्लांट है उसे काफ़ी सारे यहाँ पे यूजेस उसको लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इतना ही था, लेकिन आगे के वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे डीजल पावर स्टेशन में जो एनर्जी कन्वर्जन होती है उसके बारे में, लाइन डायग्राम के बारे में, वो इसके आगे वाले वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। दोस्तों अगर दोस्तों वीदियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल नंदा सारदी को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। आपका खूब खूब धन्यवाद।